हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा द्विवेदी, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो है न्यूटन रैफसन मेथड पे। ओके, तो हम इस वीडियो में देखेंगे न्यूटन रैफसन मेथड क्या होता है और इससे कैसे हम इस मेथड का यूज़ करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। बट रियली सॉरी, वन मिनट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना चैनल सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते रहते, कोई बात नहीं, बट फिर भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लास्ट में अगर अच्छी लगे तब ही लाइक करिएगा, बट लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगे तो। ये नहीं कि अच्छी लगी बस ठीक है, ओके, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन रैफसन मैथड ये होता क्या है, किस चीज़ का मैथड है? दिस इज़ द अनदर मैथड टू यूज टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी रहती है जिसके रूट्स हमें फाइंड करने होते हैं, और उस रूट्स को फाइंड करने का मेथड है न्यूटन रैफसन मेथड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। रूट्स फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड होते हैं, बट हम अभी पढ़ेंगे न्यूटन रैफसन मेथड के बारे में। तो देखिए, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया है, ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन एफ। सबसे पहले क्या है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ आर एक्स एक्सिस, और ये हमारा है फंक्शन, दिस इज़ आर फंक्शन, ये है हमारा फंक्शन। ओके, इस पे ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज आर फंक्शन। नाउ अब यहाँ पे जो ये मीट कर रहा है पॉइंट, ये हमारा है रूट, दिस इज आर रूट, रूट ऑफ इक्वेशन एट एक्स एक्सिस। किस पे है ये रूट, एक्स एक्सिस पे है, तो रूट ऑफ इक्वेशन एट एक्स एक्सिस। आई होप सबको समझ में आ गया। अब इसी रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन रैफसन मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका प्रोसीजर क्या, हम पहले ये देखेंगे, इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे इसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर देखना, इसके स्टेप्स देखना, देन एक इसका एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, कंसिडर द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हमें इक्वेशन को क्या कंसिडर करना है, इज इक्वल्स टू जीरो। सपोज हमें कोई भी एक इक्वेशन दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, ठीक है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम क्या लेंगे, इज इक्वल्स टू जीरो लेंगे, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, जीरो पहले कंसिडर करेंगे। इफ़ द इनिशियल वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर हमें इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है, इनिशियल वैल्यू मीन्स एक्स ज़ीरो, इनिशियल वैल्यू मीन्स एक्स ज़ीरो की वैल्यू अगर हमें नहीं दी है, इन केस अगर हमें दिया टू या वन या थ्री, एक्स ज़ीरो की वैल्यू, एक्स ज़ीरो क्या है, इनिशियल वैल्यू। अगर हमें इनिशियल वैल्यू दी है तो हम ये वाला स्टेप लेस करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये स्टेप को स्किप कर देंगे। और अगर हमें इक्वेशन नहीं दी है, दिस इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या करेंगे, इफ़ द इनिशियल वैल्यू इज़ नॉट गिवन, देन वी यूज़ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इससे क्या करेंगे, हम रूट्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे गाइस, रूट्स फाइंड करेंगे एफ ए, जब तक कि जो फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू या तो एक नेगेटिव आनी चाहिए और एक पॉजिटिव, या तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ग्रेटर देन जीरो में क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाती हमारी, तो वो हमारा दो हमारी एक एक्स हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा। इन दोनों में जो इनिशियल वैल्यू होगा वही हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, मीन्स एक्स जीरो इज इक्वल्स टू वन। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एफ एक्स जीरो एंड एफ डैश एक्स जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स जीरो और एफ एक्स जीरो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, एफ एक्स जीरो क्या है, जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी कहती है ये फंक्शन है। इस फंक्शन में x की वैल्यू पहले जो हमें दिया है, ये जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू दिया है, वो पुट करेंगे, और उसके बाद जो एफ एक्स जीरो आएगा उसका एफ डैश एक्स जीरो निकाल देंगे। नाउ
थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैफसन मैनर। ये अप्रोक्सीमेट या फिर इटरेशन कह दे, एक ही बात है। अब इसे x1 की वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है x0 माइनस f x0 अपॉन f डैश x0। ओके, इसके बाद जो हमारा f1 ना f x1 आ गया, देन हम f डैश x1 निकालेंगे। ओके, नाउ सेकेंड, उसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मतलब सेकेंड इटरेशन करेंगे। सेकेंड इटरेशन का क्या होगा, यहाँ पे हमारी x1 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी x2 से और x0 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी x1 से सब जगह। ओके, देखिए यहाँ पे x1 रिप्लेस हो गया x2 से, x0 रिप्लेस हो गया x1 से, यहाँ पे देखिए x0 रिप्लेस हो गया x1 से, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। यही फॉर्मूले से हमारी फर्स्ट इटरेशन मिलेगी, यही फॉर्मूले से हमारी सेकेंड इटरेशन होगी। तो चलिए इससे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या है एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कैसे इसको अप्लाई करना है। ओके, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ क्या करता है। सबसे पहले हमें, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दिया रहता है तो मैं ये देख के बता देती हूँ हमें क्या करना था। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होगा उसको ज़ीरो रखेंगे और x0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। x0 की वैल्यू जो गिवन रहेगी तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स ज़ीरो निकालेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स ज़ीरो निकालेंगे। ओके, देन आपका होगा x1 की वैल्यू में पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो माइनस एफ डैश, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे निकालने के बाद। देन सेकंड अप्रोक्सीमेट, अगर आपको थर्ड इटरेशन बोलिए तो थर्ड इटरेशन भी ऐसी हो जाएगी, x2 की जगह क्या हो जाएगा x3, x1 की जगह x2 माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ डैश एक्स टू, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नाउ हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन न्यूटन रैफसन का। ओके, नाउ देखिए इसमें क्या है, इनिशियलाइजेशन x0, इनिशियलाइजेशन इज x0 हमें दिया है 2, क्या दिया x0 2 दिया है, और ये है हमारा फंक्शन, दिस इज आर इक्वेशन, दिस इज आर फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब देखिए इस फंक्शन का कैसे करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा था, सॉरी हमें कहा था सबसे पहले f0 निकालना है और f डैश 0 निकालना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पहले निकाली, आप यही करिएगा, पहले f0 निकालिए, f0 मतलब ये इक्वेशन था, ये फंक्शन था, फंक्शन में x0 की वैल्यू पुट कर दिए, कर दीजिए x0 की मतलब इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू दी है, x0 की वैल्यू क्या दी है 2, तो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे x की जगह। ओके, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5, आई होप आपको समझ में आया। x0 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे x0 पुट करना है तो सब जगह यहाँ पे। इसके बाद जो हमारी वैल्यू आई, दिस इज माइनस 1, दिस इज क्या है माइनस 1। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकाल लेंगे तो ये कैसे आएगा, ये देखिए f डैश x मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले, तो देखिए ये हमारा होता है 3x, x क्यूब का क्या होता है 3 आगे आ जाता है, और x ये होता है एक्चुअली x की पावर n का होता है, n x n माइनस 1 ये होता है, ठीक है। तो n, n यहाँ आगे आ गया 3, और x की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x का क्या होता है, x का कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, और ये वाली वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, f डैश x निकाल लेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी डिटेल में, क्योंकि जिनको नहीं आता है वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे करना क्या है हमें, इसमें डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट कैसे। तो इसका ये एफ डैश एक्स जो मैंने बताया, इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, और जैसे ही आपका एफ डैश एक्स निकल गया, सॉरी एफ डैश एक्स निकल गया, इसके अंदर एफ एक्स जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, मतलब एक्स की जगह एक्स जीरो की वैल्यू, दिस इज टू, थ्री 2 की पावर स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। ओके, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, जो कि मैंने क्या कहा था, देखिए हमने x0 निकाली है, f डैश x0 की वैल्यू निकाली, अब हमें क्या निकालना है, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f
एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो यही लेना है। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे ये लिया, देखिएगा ध्यान से प्लीज। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिया, यहाँ क्या था ये रहा एक्स जीरो माइनस दिस दिस। अब एक्स जीरो की वैल्यू क्या थी, क्या निकाली थी हमने, एक्स जीरो की वैल्यू क्या की थी, टू, ठीक है, टू गिवन थी एक्स जीरो की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू। अब माइनस, माइनस का साइन एफ एक्स जीरो, अब एफ एक्स जीरो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, माइनस वन। देखिए तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वन, और एफ डैश एक्स जीरो निकाला टेन, तो यहाँ पे पुट कर दिया टेन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए टू माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टेन। अब टेन इसको एलसीएम लेंगे तो टेन टू जो ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन इज ट्वेंटी वन अपॉन टेन, दिस इज इक्वल टू 2.1। आई होप आपको समझ में आया। एक्स वन हो गया हमारा टू माइनस वन, एक्स वन की वैल्यू आ गए। अब ऐसे ही सेकेंड इटरेशन में, अब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे, और सेकेंड इटरेशन में देखिएगा, अब देखिए सेकेंड इटरेशन में हमें क्या चाहिए, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन। तो इसमें हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर से ये निकालना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे ये निकाला था एफ जी एफ एक्स जीरो और एफ एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एफ एक्स वन निकालेंगे, एफ एक्स वन निकालेंगे तो एक्स वन की वैल्यू हमारी क्या निकली थी गाइज, 2.1 निकली थी। ओके तो यहाँ पे देखिए जो हमारी इक्वेशन थी, फिर से यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन में डालेंगे हम जो भी करेंगे ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हम मैंने वैल्यू पुट करी दिस 2.1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.1 माइनस 5, इसकी वैल्यू आ गई दिस सॉल्व करने के बाद। तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके नाउ एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था दिस 3x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे x की जगह 2.1 पुट कर दीजिए, ठीक है, देन इट विल बी 10, ये आ जाएगा। अब x2 सेम, अब x2 का हमारे ये फॉर्मूले में इसमें पुट कर देंगे, x1 की जगह 2.1 माइनस एफ एक्स वन की जगह 0.061 10, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स वन की जगह। तो यह हमारा क्या, ये हमारी दो इटरेशन हो गए। इसी तरह अगर आपको थर्ड इटरेशन भी बोलिए निकालने को, तो आप थर्ड इटरेशन भी बिल्कुल इसी की तरह, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जाएगा एक्स थ्री इज इक्वल्स टू, आपका इटरेशन क्या जाएगा, एक्स थ्री इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ डैश एक्स टू। ओके आई होप आपको समझ में आया। इस तरीके से आप इसका फंक्शन निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए और इसमें पुट कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो लाइक ज़रूर करिए जितने, क्योंकि लाइक्स मैं देखती हूँ वीडियोज़ में बहुत कम रहते हैं। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करिए वीडियोज़ सो डैट और भी लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँचें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द best.